फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन जब वर्तमान समय में उन्हें बाहर निकाला जाता है तब उन्हें पता लगता है कि दुनिया से मर्दों का नामो निशान मिट चुका है और अब लाखों लड़कियों के बीच सिर्फ वही दो मर्द बचे हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1991 का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है फर्स्ट ह्यूमन हाइबरनेशन मशीन के बारे में और उसमें वॉलंटियर कर रहे हैं दो लड़के जिनका नाम है मैक्स और एल्बर्ट। तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसने इस मशीन को बनाया है और हाल ही में उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है क्योंकि एक चिंपैंजी को उन्होंने 6 महीने के लिए मशीन के अंदर डाल करके रखा था और उस चिंपैंजी की बिल्कुल भी उम्र नहीं बढ़ी। वो जैसा मशीन के अंदर गया था वो वैसा ही मशीन के बाहर आया। इसलिए प्रोफेसर अपने अगले एक्सपेरिमेंट में इंसानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसके लिए मैक्स और एल्बर्ट वॉलंटियर करना चाहते हैं और प्रोफेसर का दावा है कि इस बार वो 3 साल के लिए इन्हें मशीन में डालेंगे। लेकिन प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि ये काम बहुत रिस्की है क्योंकि इंसान का शरीर चिंपैंजी के शरीर से बिल्कुल ही अलग है, इसीलिए इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मानवता की भलाई के लिए प्रोफेसर इस स्टेप को लेना चाहते हैं। फिर मशीन को शुरू कर दिया जाता है और मैक्स और एल्बर्ट को डाल दिया जाता है मशीन के अंदर। तब समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 53 साल का वक्त बीत जाता है। तब फिर से उस मशीन को खोला जाता है और मशीन खोलने के बाद मैक्स और एल्बर्ट को बाहर निकाला जाता है। तब हमें पता लगता है कि जिस उम्र में इन दोनों को अंदर डाला गया था इनकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है और ये लोग अभी भी वैसे के वैसे हैं और इन्हें भूख लगी हुई है, इसीलिए 3 लड़कियां इनके लिए खाना लेकर के आती हैं। लेकिन जब ये लोग खाना शुरू करते हैं तब इन्हें पता लगता है कि ब्रेड कच्चा है। फिर वो लड़की बताती है कि कच्चा नहीं है, आपको ब्रेड को खोलना पड़ता है। फिर जैसे ये लोग ब्रेड को खोलते हैं इन्हें अंदर दूसरा ब्रेड मिलता है, लेकिन इन दोनों को खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता क्योंकि 53 साल के लंबे वक्त के बाद ये लोग मशीन से बाहर आ रहे हैं। इसीलिए इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है और इन्हें ये बात पता भी नहीं है कि कितना सारा समय बीत चुका है। लेकिन अब मैक्स कहता है कि मैंने अपने मशीन के अंदर शराब और सिगरेट और लाइटर छुपा रखा था, इसीलिए मुझे लगता है कि उसे निकालने का वक्त आ चुका है। फिर मैक्स सारी चीजों को बाहर निकालता है और ये दोनों स्मोक करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे धुआं फैलता है हर जगह अलार्म बजने लगता है और सबको पता लग जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसीलिए कुछ लड़कियां आती हैं यहाँ पे और आग को बुझाने लगती हैं। तभी यहाँ पे आती है डॉक्टर ब्लॉन्ड और इन दोनों से बात करने लगती है क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि इन्हें कुछ भी पता नहीं है। फिर वो रिसर्च के बारे में बताती है और इन्हें एहसास दिलाती है कि वह प्रोफेसर जिंदा नहीं है। तब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों चौंक जाते हैं। फिर ब्लॉन्ड बताती है कि यहाँ पे एक महायुद्ध हुआ था और उस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ जिसमें सारे के सारे मर्दों की मौत हो गई और कोई भी मर्द इस पृथ्वी पे नहीं बचा, सिर्फ औरतें जिंदा बची। लेकिन तुम दोनों इसलिए जिंदा बच गए क्योंकि तुम लोग मशीन के अंदर थे, इसीलिए तुम लोग अब दुनिया के आखिरी दो मर्द बचे हुए हो और पिछले 53 साल से तुम लोग इसी मशीन के अंदर थे। तब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों पागल होने लगते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे तक जाते हैं इन्हें जोर का बिजली का झटका लगता है, फिर ये नीचे गिर जाते हैं और अब एल्बर्ट इस बारे में सोचने लगता है। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है सब कुछ ठीक है, हमारी मानसिक हालत खराब हो रही है क्योंकि हम 53 साल से मशीन के अंदर थे, इसीलिए हमें ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। दुनिया बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैक्स को एल्बर्ट की बातों पर भरोसा नहीं होता, वो कहता है कि हम बिल्कुल ठीक है जबकि मुझे लगता है कि ये सारे लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई मर्द ही नहीं है तब हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ रही है और बच्चे पैदा कैसे हो रहे हैं। तभी इन बातों को ब्लॉन्ड सुन लेती है और वो उन्हें वहीं से जवाब देती है कि यहाँ पर बच्चे मशीन में पैदा किए जाते हैं। तब इस बात को सुनकर के लोग और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी ब्लॉन्ड के पास आती है ब्लॉकहॉस नाम की एक और डॉक्टर और यहाँ पर हमें ब्लॉन्ड का पूरा नाम पता लगता है। ब्लॉन्ड का नाम है लामिया रेनो। फिर ब्लॉकहॉस उससे बात करने लगती है और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करती है और लामिया को आगाह करती है कि तुम्हें बाकी डॉक्टर से इस बारे में बात करना चाहिए, तुम चुपके से कोई भी रिसर्च नहीं कर सकती। तभी हम मैक्स और एल्बर्ट को देखते हैं जिनके कमरे में एक टीवी चलने लगता है और ये लोग एक बच्ची को बात करते हुए देखते हैं। तब एल्बर्ट को समझ में आता है कि अब जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब की मदद से पैदा हो रहे हैं। फिर इस बात को सुनने के बाद मैक्स नाराज हो जाता है और कहता है कि ये लोग बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब एल्बर्ट कहता है कि ये पहले भी पॉसिबल था लेकिन अब इन लोगों ने बच्चों की खेती बना दी है और पिछले 53 साल में बहुत सारी चीजें बीत चुकी हैं जिसका हमें आइडिया भी नहीं है और मुझे लगता है कि हमारे सारे परिवार वाले अब खत्म हो चुके हैं। फिर इन बातों को कहने के बाद ये दोनों भावुक होने लगते हैं। तो मैक्स फिर से अपनी शराब की बोतल निकालता है और आखिरी बचे हुए कुछ घूंट ये लोग पीते हैं और दोनों भावुक होने लगते हैं। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही इनकी आँख खुलती है ये अपने सामने फिर से लामिया को पाते हैं जो इनका हालचाल पूछ रही है कि अब इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो मैक्स कहता है कि उसे अच्छा लग रहा है। फिर इतना कहने के बाद वो फ्लर्ट करने लगता है लामिया के साथ और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम दोनों डांस भी कर सकते हैं। फिर इतना कहने के बाद वो धीरे धीरे लामिया के करीब जाने लगता है। तब लामिया को समझ में नहीं आता कि वो क्या करना चाहता है। तभी मैक्स उसे किस कर लेता है। तब इस चीज को देखने के बाद लामिया बहुत चक्का रह जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि किस क्या होता है। लेकिन अब लामिया को धीरे धीरे कुछ आभास हो रहा है, इसलिए वो मैक्स को उठाकर पटक देती है और यहाँ से बाहर भाग जाती है।
तब मैक्स और एल्बर्ट भी इस बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर इन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। इन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि एक मर्द और एक औरत दोनों करीब आते हैं। तब दोनों के बीच संभोग होता है। फिर ये समझ जाते हैं कि इन लड़कियों को संभोग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी कुछ गार्ड्स इन्हें बाहर लेकर के जाते हैं। फिर इन्हें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है, इसीलिए अगर कोई भी बाहर जाता है तब उसकी मौत हो जाती है। और हमारे पास कुछ जानवर हैं जिनकी अभी अभी रेडिएशन के कारण मौत हुई है। तब ये लोग लैब में सारे जानवर को देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर इन सब की मुखिया आती है, जिसे सारे लोग हर एक्सीलेंसी कह के बुलाते हैं। और उसे देखने के बाद मैक्स चौंक जाता है और वो उससे बात करने लगता है, फिर उसकी उम्र पूछता है। तभी यहाँ पर इमा नाम की लड़की कहती है कि तुम लोगों को पता है तुम्हारी उम्र क्या है, तुम दोनों 86 साल के हो, लेकिन हाइबरनेशन के कारण तुम लोगों की उम्र नहीं बढ़ी, लेकिन अगर असल में देखें तब तुम लोग बहुत ही बड़े हो। लेकिन अब मैक्स पे इन बातों का असर नहीं होता और वो इनके लीडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तब लीडर पीछे हट जाती है और इस चीज को देखते ही गार्ड पकड़ लेते हैं मैक्स को और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे से लीडर कहती है कि उसे छोड़ दो। तब मैक्स कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, मर्द कहाँ चले गए सारे। तब इनकी लीडर पूरी कहानी बताती है कि यह गलती प्रोफेसर की है, उन्होंने ऐसी चीज बनाई जिससे वो चाहते थे कि मर्दों की उम्र ना बढ़े और वो उनके जीन्स को कंट्रोल कर सके, लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। जो मर्दों का भला करने वाली थी उसी केमिकल ने सारे के सारे मर्दों को खत्म कर दिया। फिर इस बात को सुनते ही एल्बर्ट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी भी हम दोनों जिंदा है और अगर आप लोग चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हमारे जीन्स को मिला करके लैब में ही बच्चे बनाए जा सकते हैं और मर्द भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन इस बात को सुनने के बाद इनकी लीडर गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ के पेड़ जिस पे दो सेव लटके हुए थे, लेकिन इन दोनों ने उन दोनों सेव को खा लिया। फिर इस चीज को देखते ही वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि बाइबल में क्या हुआ था, इसी सेव के कारण सारी चीजें हुई थी और आज फिर से मेरे सेव के साथ यही हुआ और ये सारी तुम दोनों की गलती है। इसीलिए वो इन्हें फिर से बंद करवा देती है कमरे के अंदर और आज लड़कियों ने इन्हें पीटा भी है। इसीलिए अब मैक्स बहुत ज्यादा दुखी है और उसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उसने लड़कियों से मार खाई। तब एल्बर्ट उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही यहाँ से भागेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ से अलग भी एक दुनिया होगी जहाँ पर नॉर्मल लोग रहते होंगे। तभी हम लामिया को देखते हैं जो अभी भी उसी किस में खोई हुई है जब मैक्स ने उसे छुआ था और वो उस टच से बाहर नहीं आ पा रही है और उसके मन में एक के बाद एक सवाल ऐसे ही आते जा रहे हैं। इसीलिए वो जाती है यहाँ के सबसे ज्यादा उम्र वाली महिला के पास और उससे पूछने लगती है कि पहले मर्द कैसे हुआ करते थे और इस दुनिया में मर्दों का क्या रोल है और एक मर्द और एक औरत साथ मिलकर के क्या करते हैं। तब औरत पूछती है कि क्या तुम उन दोनों मर्दों में से किसी से प्यार करती हो। तब लामिया को ये बात समझ में नहीं आती। फिर वो समझाने लगती है कि अगर मर्द और औरत एक साथ हो जाए और वो संभोग करे तब किसी भी मशीन की जरूरत नहीं होती बच्चे पैदा करने के लिए। फिर इतने कहते ही वो पूछती है कि आगे तुम लोग उन मर्दों के साथ क्या करने वाले हो। तब लामिया बताती है कि हम लोग उनका सेक्स चेंज करने वाले हैं और उन्हें भी लड़की बना देंगे। तब इस बात को सुनते ही वो औरत कहती है ये उनके लिए मौत से भी बड़ी सजा होगी, ऐसा किसी भी मर्द के साथ नहीं करना चाहिए। तब इस बात को सुनकर लामिया यहाँ से निकल जाती है। लेकिन अब उन दोनों को पकड़ करके लाया जाता है लैब में। अब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे औरतों का ब्रेनवॉश कैसे किया जाता है और उन्हें सिर्फ मर्दों के बारे में गलत बातें बताई जाती है कि मर्द पहले औरतों को कैसे टॉर्चर किया करते थे। फिर इन दोनों को एक एक फॉर्म दिया जाता है जिसपे इन्हें साइन करने के लिए कहा जाता है ताकि इनके शरीर पे लोग एक्सपेरिमेंट कर सके, लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं और उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। तभी इनके ऊपर की सीलिंग खुलती है और ये बहुत सारी महिलाओं को देखते हैं। फिर ये सारे लोग डिबेट करने लगते हैं कि इन मर्दों के साथ क्या करना चाहिए। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद ये लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये लोग भाग रहे होते हैं तब इनके रास्ते में कुछ गार्ड चले आते हैं जो सारी महिलाएं हैं। तब ये लोग उन्हें किस करने लगते हैं। तब तक महिलाओं की मीटिंग खत्म हो जाती है और वो निश्चय करते हैं कि वो इनके शरीर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब तक हम इन दोनों को देखते हैं जो भागते हुए नीचे पहुंच चुके हैं और नीचे जाने के बाद इन्हें अंडरग्राउंड एक रास्ता नजर आता है, इसीलिए उस रास्ते की मदद से ये लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी नीचे इन्हें शराब की बोतल मिलती है और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी, जिसे पढ़ने के बाद इन्हें पता लगता है कि 1993 में ये सारी चीजें हुई थी। तभी ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे गार्ड्स इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। फिर एक टनल के रास्ते से ये लोग बाहर भाग जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें बहुत सारे लोग नजर आते हैं, लेकिन ये सारे के सारे लोग बाकी हैं जो लीडर के नियमों का पालन नहीं करते और वो अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं और लड़कियां आपस में इंटीमेट भी होती हैं। फिर इन सारी चीजों को ये लोग देख ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे गार्ड्स चले आते हैं और इन दोनों को पकड़ने लगते हैं, लेकिन इतने सारे गार्ड्स को देखने के बाद ये लोग भी भागने लगते हैं और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। फिर इस चीज को देखने के बाद इन दोनों को भी मौका मिल जाता है। तब मैक्स और एल्बर्ट अलग अलग होकर के भागने लगते हैं, लेकिन बहुत देर भागने के बाद ये लोग आते हैं एलिवेटर के अंदर। तभी ये लोग अपने सामने लामिया को पाते हैं, जिसे देख करके ये लोग डर जाते हैं, लेकिन लामिया इन्हें समझाती है और कहती है कि तुम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम लोग बाहर गए तब जिंदा नहीं बचोगे। तब ये दोनों कहते हैं कि हमें बेवकूफ मत बनाओ। फिर इस बात को सुनने के बाद लामिया कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि बाहर कैसा है। फिर वो उन्हें लेकर के जाती है और मशीन से बाहर का नजारा दिखाती है। तब इन्हें पता लगता है कि बाहर सिर्फ और सिर्फ तबाही है और कहीं भी इंसान नहीं रह सकता
और उसके साथ साथ लामिया बाहर का रेडिएशन भी दिखाती है कि रेडिएशन कितना ज्यादा है और इसी रेडिएशन के कारण सारे लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ये दोनों नहीं मानते और कहते हैं कि हम बाहर जाकर के मरना पसंद करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे औरतों के साथ नहीं रहना चाहते, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। फिर इतना कहने के बाद वो जाने लगते हैं। तब लामिया कहती है कि मैं तुम लोगों को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती। फिर इतना कहते ही वो गार्ड को यहाँ पे बुला लेती है और गार्ड फिर से इन्हें लेकर के जाने लगते हैं। तब मैक्स चिल्ला चिल्ला के लामिया को कहता है कि तुम खुद गज लड़की हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तभी एमा और ब्लॉकहाउस आते हैं यहाँ पे लामिया के पास और उसे बताते हैं कि उसका प्रमोशन हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि इन मर्दों को अब डेंजर घोषित कर दिया गया है और जल्दी ही इन्हें औरतों में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स को तुम्हारी रिसर्च चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा इन दोनों मर्दों का करीब तुम्ही थी और सबसे ज्यादा उन पर रिसर्च तुम्ही ने की है और जैसे ही तुम्हारा रिसर्च हमें मिलेगा हम उन दोनों लड़कों को लड़की बना देंगे। लेकिन लामिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सोच में पड़ जाती है और उसे भी एहसास होने लगता है कि उसने गलत किया है। तभी हम मैक्स और एल्बर्ट को देखते हैं जिन्हें लैब में लेकर के जाया जा रहा है। तभी दोनों चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि औरत बनने के बजाय हम दोनों मरना पसंद करेंगे। लेकिन ये लोग किसी की नहीं सुनते और मैक्स को अंदर लेकर के जाने लगते हैं। तभी मैक्स अपने सामने अपनी पत्नी को देखता है जो कहती है कि जब तुम हाइबरनेशन में गए तब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था लेकिन तुमने मेरी परवाह नहीं की और ना ही अपने बच्चे की। पैसे के लिए तुम हाइबरनेशन में चले गए, तब से मुझे मर्दों से नफरत है और बच्चों से भी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसे मर्द इस दुनिया में रहे। फिर इतना कहने के बाद वो इसका ऑपरेशन करने ही वाली होती है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे लामे आ जाती है और वो इन दोनों को बचा करके लेकर के यहाँ से भागने लगती है। लेकिन अब एल्बर्ट को बहुत ही बड़ा सदमा लगा है और उसे एनेस्थीसिया का डोज भी दिया गया है इसीलिए उसे 1994 की झलकियां नजर आने लगती है। फिर वो अपने सामने प्रोफेसर को देखता है और प्रोफेसर को बताता है कि उसने बहुत ही गंदा सपना देखा था। उसने देखा कि वो 53 साल बाद जगा था जब कोई भी मर्द नहीं था वहाँ पे। तभी मैक्स भी आ जाता है वहाँ पे और वो कहता है कि मैंने भी ऐसा ही सपना देखा कि 53 साल बाद हम जगे हैं जब किसी भी मर्द का नामो निशान नहीं है हम दोनों के अलावा। फिर ये दोनों प्रोफेसर से पूछने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों ने एक ही सपना देखा। तभी एल्बर्ट की आंख खुल जाती है और उसे पता लगता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। लेकिन अब लामिया इन्हें लेकर के ऊपर जा रही है और ऊपर जाते ही इसे कुछ गार्ड्स नजर आते हैं जिनसे वो कहती है कि अपने सूट इन दोनों को दे दो। फिर वो अपने रेडिएशन सूट दे देते हैं एल्बर्ट और मैक्स को। तब ये लोग ऊपर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब लामिया गार्ड से पूछती है कि ये खुल क्यों नहीं रहा। तब वो बताते हैं कि इसका पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ लीडर को पता है। तब इस चीज को देखने के बाद मैक्स गुस्सा हो जाता है और वो गालियां देने लगता है। तभी दरवाजा खुल जाता है। तब मैक्स को पता लगता है कि इसका पासवर्ड गाली ही है। तब इन चीजों को देखने के बाद लामिया निश्चय करती है कि वो भी इनके साथ ऊपर जाएगी। फिर वो भी रेडिएशन सूट को पहन लेती है और ये लोग चले जाते हैं ऊपर। लेकिन ऊपर जाते ही इन्हें बहुत ही भयानक नजारा दिखाई पड़ता है और जैसा इन लोगों ने मशीन में देखा था बाहर की दुनिया वैसी ही है। लेकिन मैक्स जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है वो पर्दे से जाकर टकरा जाता है और उसे आगे नहीं जा पाता है। तब मैक्स को शक होता है इसीलिए वो अपनी चाकू निकालता है और पर्दे को काट देता है। फिर पर्दा जैसे ही कटता है यहाँ पे बहुत ही तेज रोशनी आती है और ये लोग बाहर निकल जाते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि ये सब कुछ लीडर ने किया था। अब तक ये लोग जिन चीजों को देख रहे थे वो बस एक बनावटी सेट था। बाहर की दुनिया बिल्कुल पहले जैसी है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, चिड़िया है और अच्छी रोशनी है। फिर ये लोग चारों तरफ घूमने लगते हैं और इन्हें एक बीच भी नजर आता है। तब इसको देख करके ये लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद इन्हें एहसास होता है कि इनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लेकिन मैक्स अब किसी की नहीं सुनता और वो अपना हेलमेट निकाल देता है। तब हेलमेट निकालने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे सांस लिया जा सकता है पहले की तरह। तब इन्हें समझ में आता है कि लीडर ने इन सबको बेवकूफ बनाया है और सारी औरतों को अभी भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक है, किसी को भी नीचे बंकर में रहने की जरूरत नहीं है। फिर ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें एक शानदार घर नजर आता है। तब ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं। फिर इन्हें यहाँ पे बहुत सारा ताजा ताजा खाना मिलता है। तब ये लोग खाना खाने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पे एमा आ जाती है और इन्हें कहती है कि तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अब उसके सूट का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है इसीलिए वो जमीन पे गिर जाती है। तब एल्बर्ट उसे उठाता है और लेकर के जाता है घर के अंदर और उसका हेलमेट हटा देता है ताकि वो सांस ले सके। लेकिन एमा जैसे ही जगती है वो फिर से एल्बर्ट पर चिल्लाने लगती है। इसी बीच इनसे गलती से रिमोट दब जाता है। तब इन्हें पता लगता है कि लीडर ने गलत अफवाह फैलाई है और हर जगह ये बताया है कि लामिया की मौत हो गई है और उसके साथ साथ दो और लड़कियों को दिखाया गया है और वो क्लेम कर रहे हैं कि ये दोनों एल्बर्ट और मैक्स हैं, इनका सेक्स चेंज कर दिया गया है। फिर ये लोग देख ही रहे होते हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि घर के अंदर कोई आ रहा है। फिर सारे लोग छुप जाते हैं। तभी यहाँ पे लीडर आती है और हमें समझ में आता है कि ये घर लीडर का ही है। लेकिन लीडर सारी चीजों को देख करके समझ जाती है कि यहाँ पे कोई और भी है। फिर वो जैसे ही वार्डरोब को खोलती है एल्बर्ट और मैक्स उसे पकड़ने लगते हैं। इसी बीच इन्हें पता लगता है कि लीडर कोई औरत नहीं है बल्कि एक मर्द है जो मेकअप करके औरतों की तरह रहता है। तब इस चीज को देख करके ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब लीडर पूरी बात बताता है कि जब वो युद्ध हुआ तब मैं बस 4 साल का था और
में उन कुछ मर्दों में से था जो जिंदा बच गए थे, लेकिन अब उन सबका एक्सचेंज किया जा रहा था। तब मेरी माँ ने मुझे छुपा दिया और मैं वक्त के साथ बड़ा होने लगा, लेकिन मुझे अपनी जान बचानी थी इन औरतों से, इसीलिए मैं भी औरत बन गया और उनकी तरह रहने लगा। और एक वक्त के बाद मुझे यहाँ का लीडर बना दिया गया, लेकिन मैं हमेशा ही औरतों से डरा रहता हूँ। तब ये लोग कहते हैं कि तुमने उन औरतों को बताया क्यों नहीं कि बाहर कोई भी रेडिएशन नहीं है। तब लीडर कहता है कि पहले रेडिएशन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे रेडिएशन खत्म हो गया और मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उन्हें कुछ भी बताऊँ, क्योंकि ये महिलाएं सनकी हैं। और इतना कहने के बाद वो इनसे आग्रह करता है कि इसकी आइडेंटिटी वो लोग महिलाओं को ना बताएं। तब ये लोग भी वादा करते हैं और अब एल्बर्ट और एमा करीब आने लगते हैं और दूसरी तरफ लामिया और मैक्स। फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं कि ये लोग मर्दों को फिर से दुनिया में कैसे ला सकते हैं। इसीलिए अगले दिन ये लोग पहुंचते हैं लैब में, जहां पे सारे बच्चों को बनाया जाता है और उनके टेस्ट ट्यूब में अपने सीमेंस को डालते हैं ताकि अब मर्दों के जीन्स आ जाए। इसीलिए जब अगली बार सारे बच्चों को बनाया जाता है तब इसमें ज्यादातर मर्द होते हैं और एक नर्स जैसे ही एक लड़की को देखती है वो चीखने लगती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।